अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंग्लिश प्राइमर का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। दीज आर कीज, ये चाबियां हैं, ये कुंजियां हैं। एंड व्हाट आर दीज, और ये क्या है। दीज आर आल्सो कीज, ये भी चाबियां हैं। आल्सो मीन्स भी होता है। दोज आर बेल्स, वो घंटियां हैं। एंड व्हाट आर दोज, और वो क्या है। दोज आर आल्सो बेल्स, वो भी घंटियां हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या चीज़ें हैं। दीज आर फ्रूट्स, ये फल हैं। दे आर बनानास, एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट्स, ये केले, सेब, आम, अंगूर और अनार हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स, वो क्या चीज़ें हैं। दोज थिंग्स आर प्लेट्स, ग्लासेस, स्पून्स, नाइफ्स, कप्स एंड सॉसर्स। वो चीज़ें प्लेट, ग्लास, चम्मच, चाकू, प्यालियाँ और प्लेटें हैं। इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इंशाल्लाह। तो चलिए अब लेसन नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं। लेसन नंबर 5, दिस इज़ आ लॉन्ग पेंसिल, ये एक लंबी पेंसिल है। दैट इज़ अ शॉर्ट पेंसिल, वो एक छोटी पेंसिल है। दिस इज़ अ लॉन्ग पेंसिल, ये एक लंबी पेंसिल है। दैट इज़ अ शॉर्ट पेंसिल, वो एक छोटी पेंसिल है। इस माने है आ माने एक, लॉन्ग पेंसिल लंबी पेंसिल, शॉर्ट पेंसिल छोटी पेंसिल। द लॉन्ग पेंसिल इज़ ग्रीन, लंबी पेंसिल हरी है। द शॉर्ट पेंसिल इज़ रेड, छोटी पेंसिल लाल है। दिस इज़ अ बिग टॉर्च, ये एक बड़ी टॉर्च है। दिस इज़ अ स्मॉल टॉर्च, ये एक छोटी टॉर्च है। द बिग टॉर्च इज़ ब्लू, बड़ी टॉर्च नीली है। द स्मॉल टॉर्च इज़ येलो, छोटी टॉर्च पीली है। दीज आर ब्राउन शूज़, ये भूरे जूते हैं। दोज आर ब्लैक शूज़, वो काले जूते हैं। द ब्राउन शूज़ आर बिग, भूरे जूते बड़े हैं। द ब्लैक शूज़ आर स्मॉल, काले जूते छोटे हैं। छोटे जूते दूर हैं तो दोज, और बड़े जूते जो हैं वो सॉरी पास हैं तो वो उनके लिए दीज आया है। बड़े जूते करीब में हैं दीज, छोटे जूते दूर हैं बाईद है तो दोज। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो चलिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज करें। सवालों के जवाब दीजिए। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। दिस इज़ अ ग्लास, इसका आंसर है दिस इज़ अ ग्लास, ये एक ग्लास है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। दैट इज़ अ कप, वो एक प्याली है। व्हाट आर दिस थिंग्स, ये क्या चीज़ें हैं। दीज आर स्पून्स, ये चम्मच हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स, वो क्या चीज़ें हैं। दोज आर नाइफ्स, वो चाकू हैं। राइट प्लूरल नंबर्स, यहाँ पर इसकी जमा लिखनी है। बैग का बैग्स, पेंसिल का पेंसिल्स, ग्लास का ग्लासेस, पेन का पेंस, नाइफ का नाइफ्स, मैंगो का मैंगोज, ई एस लगाएंगे मैंगो के साथ, ई एस मैंगोज। राइट अपोजिट वर्ड, मुतजाद अल्फाज लिखिए, यानी इसकी ज़िद, इसका उल्टा। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, ब्लैक मीन्स काला, वाइट मीन्स सफ़ेद, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी अंग्रेज़ी में तर्जमा कीजिए। ये काला कलम है। दिस इज़ ब्लैक पेन, वो छोटी कुर्सी है। दैट इज़ स्मॉल चेयर, ये लंबी पेंसिल है। दिस इज़ लॉन्ग पेंसिल, वो भूरे जूते हैं। दोज़ आर ब्राउन शूज़,
भूरे जूते छोटे हैं. द ब्राउन शूज आर स्मॉल. द ब्राउन शूज आर स्मॉल. लंबी पेंसिल सुर्ख है. लॉन्ग पेंसिल इज रेड. उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. इसकी एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंशाल्लाह मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको अच्छे से लिख सकती हैं नोटबुक में अपनी.